छोड़कर जाना पड़ा था देश राजीव रॉय को, क्या दो डिकेड्स बाद राजीव रॉय चेंज करेंगे अपना डायरेक्शनल स्टाइल? बॉलीग्रैड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निर्माता राजीव रॉय की ही पुरानी कल्ट फिल्म त्रिदेव के रीमेक के बारे में, और साथ ही हम आपको फिल्म के निर्माता राजीव रॉय के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। राजीव रॉय फेमस फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर गुलशन रॉय के बेटे हैं, जिन्होंने अपने पिता के प्रोडक्शन हाउस त्रिमूर्ति फिल्म के अंदर 80s एंड 90s के दशक में त्रिदेव जैसी काफ़ी फिल्में बनाई थी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया था। त्रिदेव के सेट्स पर वो फिल्म की एक्ट्रेस सोनम के करीब आए थे और दोनों ने शादी भी की थी। हालांकि अब वो दोनों एक साथ नहीं है, लेकिन त्रिदेव के अलावा उन्होंने सोनम का विश्वात्मा में भी कास्ट किया था। राजीव रॉय हमेशा से ही एक्शन फिल्में ही बनाते हैं। उनकी युद्ध, त्रिदेव, गुप्त या फिर विश्वात्मा जैसी फिल्मों को देखा जाए तो ये साफ हो जाता है कि राजीव रॉय की एक्शन, मिस्ट्री और सस्पेंस थ्रिलर फिल्में सुपरहिट रहती है। और एक नोटेबल बात ये भी है कि उनकी लगभग सभी फिल्मों में म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी का ही होता था। 1997 में उन्हें इंडिया छोड़कर UK जाना पड़ा था, क्योंकि उन पर मुंबई के अंडरवर्ल्ड के हिटमैन और लीडर अबू सलीम ने जानलेवा हमला किया था और उसके बाद वो 4 सालों तक वहीं पर रहे थे और कोई फिल्म भी नहीं बनाई थी। इसके बाद उन्होंने 2001 में वो अपनी कमबैक फिल्म और अर्जुन रामपाल की डेब्यू फिल्म प्यार इश्क और मोहब्बत के साथ वापस आए, और इस बार फॉर अ चेंज उन्होंने एक्शन की जगह रोमांटिक ड्रामा डायरेक्ट किया, जो इतना खास रंग नहीं लाया। उसके बाद उन्होंने 2004 में फिर से एक्शन ड्रामा फिल्म असंभव के साथ वापसी की, और वो भी प्यार इश्क और मोहब्बत की तरह फेल रही। इस फिल्म की रिलीज के बाद उनके पिता गुलशन रॉय की डेथ हो गई और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से संन्यास ले लिया। और अब लगभग 2 decades के बाद सलमान खान के अप्रोच करने पर वो त्रिदेव फिल्म के रीमेक के साथ बॉलीवुड में फिर से कमबैक करने जा रहे हैं, जिस पर उन्होंने कहा है कि त्रिदेव का नाम ही सिर्फ इस्तेमाल होगा, बाकी पूरी की पूरी कहानी अलग होने वाली है, क्योंकि वो रीमेक्स में विश्वास नहीं रखते हैं। अब सोचने वाली बात ये होगी, क्या इतने सालों बाद वो अपनी डायरेक्शनल स्टाइल चेंज करते हैं या हमें वही उनकी हिट एक्शन थ्रिलर फिल्म देखने को मिलने वाली है? अब अगर वो सलमान को लेकर फिल्म बना रहे हैं तो हमें ये अंदाज़ा तो लग ही सकता है कि फिल्म में एक्शन तो होने ही वाला है। और वैसे भी जब राजीव ने 2001 में रोमांटिक ड्रामा डायरेक्ट किया था तब वो एक फेलियर रहा था, तो इस बार वो ऐसा रिस्क तो नहीं ही लेना चाहेंगे। और वैसे बस आजकल एक्शन थ्रिलर और क्राइम सस्पेंस का ट्रेंड चल रहा है। त्रिदेव फिल्म की खासियत बात थी फिल्म के गाने, तिरछी टोपी वाले गली गली में फिरता है, ओए ओए और रात भर जाम से जैसे गानों को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली थी। और गली गली में फिरता का तो KGF चैप्टर 1 में भी रीमेक वर्जन बनाया गया था, और ओए ओए गाना डबल धमाल और अजहर जैसी फिल्मों में यूज़ किया गया था। अब त्रिदेव 2 में भी हमें गजर ने किया है इशारा या तिरछी टोपी में से किसी एक आइकॉनिक गाने के रीमेक वर्जन को बनाया जा सकता है। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म को देखने के लिए कमेंट करके जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें और सेफ रहें।